हेलो एवरीवन, ये जो साइक्लोजेस्ट होती है वो आपको दो फॉर्म में अवेलेबल होती है, साइक्लोजेस्ट 200 mg एंड साइक्लोजेस्ट 400 mg। और ये सभी महिलाओं के लिए नहीं होती है, जिनको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है सिर्फ उन्हीं के लिए होती है, और ये थोड़ी सी महंगी भी पड़ती है। और इसको 200 mg लेना है या फिर 400 mg लेना है, इसका जो है डिसीजन डॉक्टर पेशेंट के अकॉर्डिंग ही करते हैं। एंड अब हम बात करते हैं कि साइक्लोजेस्ट होता क्या है। इसमें प्रोजेस्टेरोन नाम का हार्मोन पाया जाता है, जो कि महिलाओं की बॉडी में नेचुरल तरीके से मौजूद होता है, और ये हार्मोन प्रेगनेंसी में इतना ज्यादा जरूरी होता है कि इसको जो है प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोला जाता है। जिन महिलाओं में जो है इस हार्मोन की कमी हो जाती है, तो डॉक्टर जो है इस हार्मोन के लेवल को बनाए रखने के लिए आपको साइक्लोजेस्ट सजेस्ट करते हैं। और इसके अलावा जिन महिलाओं का जो है बार बार गर्भपात हो जाता है या फिर जो है बार बार उनको एबॉर्शन कराना पड़ता है, और जिनकी प्रेगनेंसी बहुत ज्यादा वीक होती है, या फिर जिन महिलाओं को जो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही ब्लीडिंग की शिकायत हो जाती है, या फिर जिन महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आती है, जिन महिलाओं के जो है पीरियड्स आते ही नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में डॉक्टर जो है साइक्लोजेस्ट सजेस्ट करते हैं। क्योंकि प्रोजेस्टेरोन एक ऐसा हार्मोन है, अगर इसका लेवल आपकी बॉडी में कम होता है तो फिर आपका जो मिसकैरेज है वो बहुत ही आसानी से हो सकता है, एंड आपकी जो प्रीमेच्योर डिलीवरी है उसकी भी होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगर आपकी ट्विन प्रेगनेंसी है, या फिर आपकी ट्रिपलेट प्रेगनेंसी है, या फिर आपने जो है IVF द्वारा ट्विन प्रेगनेंसी कंसीव की है, तो इन सब में जो है प्रीमेच्योर डिलीवरी के बहुत ज्यादा चांस होते हैं। तो ऐसे में भी डॉक्टर आपको साइक्लोजेस्ट सजेस्ट करते हैं, और इसलिए आपको इसको जो है बिल्कुल लेना चाहिए, और ये प्रेगनेंसी में बिल्कुल सेफ होती है। और आपकी प्रेगनेंसी के 16 वीक से 24 वीक्स के बीच में डॉक्टर आपको जो है प्रोजेस्टेरोन 34 वीक्स तक लेने की सलाह दे सकते हैं। जिन महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान PCOD या फिर थायराइड की शिकायत होती है, तो उनको जो है डॉक्टर 32 वीक्स तक लेने की सलाह दे सकते हैं। एंड अब हम बात करते हैं कि आप इसको यूज कैसे कर सकते हैं। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है वो आपको ज्यादातर दो तरीके से दिया जाता है, एक होता है टेबलेट्स के रूप में और एक होता है मिरेना कॉइल के माध्यम से। और इसके अलावा आपको जो है ये इंजेक्शन के द्वारा या फिर आपको जो है आपकी वजाइना या फिर आपके मलाशय में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन डालने की सलाह दी जा सकती है, और कौन सा तरीका आप अपनाएंगे ये डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पर। और अगर आप इसको जो है वजाइना के थ्रू लेती हैं, तो आपको इसको जो है नाइट में लेना चाहिए, क्योंकि नाइट में आप आराम से लेट सकते हो और आपके पास करने के लिए अदर काम भी नहीं होते हैं। सबसे पहले आपको जो है साफ पानी से अच्छे से हाथ धोने हैं एंड उनको सुखा लेना है। उसके बाद में आप अपनी वजाइना की भी सफाई करके रखिएगा और उसको जो है ड्राई भी कर लीजिएगा। उसके बाद में आप लेट जाइए एंड अपने पैरों को ऊपर रखिएगा, ठीक है। एंड उसके बाद में आपको अपने हाथों लगभग 1 इंच तक इसको अंदर डालना है, जितना कि ये जा सकती है, ठीक है। एंड आपको जो है लगभग 15 से 30 मिनट तक लेटे रहना है, और आपको जो है बहुत ज्यादा ऑयली सा भी फील हो सकता है, एंड आपको बहुत अजीब भी लग सकता है अगर आप इसको पहली बार ले रहे हैं तो। एंड आपको जो है इसके कुछ साइड इफेक्ट भी फील हो सकते हैं, जैसे कि आपको बहुत ज्यादा नींद आना, आपको नोजिया एब्डोमिनल पेन होना, एंड आपके जो है ब्रेस्ट में अजीब सा लगना, और आपका जो है सिर दर्द होना। अगर आपको कोई भी सिम्टम्स बहुत ज्यादा महसूस होते हैं तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर को बताना है। और अब हम बात करते हैं कि ये आपको कब नहीं लेना चाहिए। अगर आपकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, मतलब कि आपकी प्रेगनेंसी गर्भाशय में ना होकर के इधर उधर है, तो ऐसे में आपको इसका यूज बिल्कुल नहीं करना है। और अगर आपको कोई गंभीर बीमारी है, जैसे कि आपको किडनी की प्रॉब्लम है, आपको लीवर की प्रॉब्लम है, या फिर आपको जो है डायबिटीज है, या फिर आपको हृदय रोग संबंधी कोई भी समस्या है, मतलब अगर आपको कोई भी गंभीर बीमारी है, तो ऐसे में आपको अपने डॉक्टर को सारी बात बता के रखनी है, और इस सिचुएशन में आप ये दवाएं बिल्कुल नहीं ले सकते हैं। और आपको जो है इसको सूखी और ठंडी जगह पर रखना है, जहां पर तापमान जो है 25 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए। आई होप आपको ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, साथ ही में बेल आइकन भी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।